हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बनाने वाले हैं उनमें इन छोटे छोटे प्लास्टिक बॉटल का यूज करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बॉल पुटी का डो तैयार कर लिया था। मैंने आपको पहले बताया है कि बॉल पुटी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं। बॉल पुटी के डो से हम इस बॉटल को कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। बॉल पुटी का डो हम सिर्फ पानी की हेल्प से तैयार करते हैं, इसमें किसी भी तरह का ग्लू मिक्स नहीं करते हैं। बॉल पुटी का डो हम जैसे घर में आटे का डो तैयार करते हैं, उसी तरह से बॉल पुटी का भी डो तैयार करते हैं। बॉल पुटी का डो तैयार करने के बाद हम इसे गीले तौलिए में लपेट के रख देते हैं और इस डो को हम 3 से 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं। अगर आपका बॉल पुटी का डो अच्छी तरीके से बनेगा तो आप जो भी क्राफ्ट बनाएंगे उसमें किसी भी तरह का क्रैक्स नहीं आएगा। बॉल पुटी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने जो बॉल पुटी का बेस तैयार किया है उस पे बॉल पुटी चिपकाने के लिए पानी का यूज किया है। आप पानी के जगह बॉल पुटी का गाढ़ा घोल या फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी।
हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।